सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आर डूइंग गुड। सो बिना लेट किए लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो राइट नाउ आई एम हेयर एट द कुरियर सर्विस। एक्चुअली सुबह में बम्पर पहुँचा है जमशेदपुर, सो आई एम हेयर टू कलेक्ट इट, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द लाइट्स एंड आफ्टर दैट बम्पर। सो लुक एट द साइज ऑफ द बम्पर, ओ माय गॉड। निखिल पाजी कितना वेट होगा इसका? निखिल पाजी अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं है, बट सो ह्यूज। And there is my car. यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, अब बम्पर हाथ तो ज़्यादा बड़ा है, गड्डी की फोटो भी नहीं रहा है, देख सकते हो। कैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे डोर ओपन रहेगा। सो राइट नाउ आई एम हेयर एट द गैराज एंड अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसमें जो बम्पर है पहले वो ही अटैच करेंगे। तो वो कैसे करें, तो उसके लिए पहले ये इसके दो साइड बम्पर जो फाइबर के हैं वो डी अटैच होंगे और ये मेटल वाला होगा जिसका नंबर प्लेट अटैच है। सो उसके बाद नया बम्पर आई गेस इसमें वेल्ड होगा। सो लेट्स सी। दिस गाय इज गॉन टेल मी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई बैटरी का खोलना चाहिए, बैटरी का तार क्यों खोलना चाहिए वेल्ड करने से पहले? वेल्ड इसलिए, बैटरी का तार इसलिए खोला जाता है कि इसमें बैटरी का कनेक्शन और हम लोगों का लाइन का कनेक्शन दोनों एक साथ मिल जाने से क्या बैटरी उड़ जाता है, इसीलिए बैटरी का तार खोला जाता है। बहुत जरूरी चीज़ बताया है, ध्यान में रखे। राइट नाउ वी आर गोना वेल्ड दिस। सीधा वेल्ड करना, देखना। हाँ वो देख लेगा। तो हमें इसे ऐसे वेल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे होल्स दिए हैं। आफ्टर ये वेल्ड हो जाएगा दोनों साइड में, ये है ये वेल्ड हो जाएगा, तो उसके बाद ये नट एंड बोल्ट के थ्रू लग जाएगा। सो एज यू कैन सी नाउ द बम्पर इज फुली फिक्स्ड एंड अब बारी है हेडलाइट की। ये वाली है DRL हेडलाइट, ये रिप्लेस करेंगे इसे। और ये है DRL ब्लिंकर्स और इंडिकेटर जो यहाँ पे लगेंगे। सो दिस इज जस्ट अनदर डे गाइस एंड देयर इज अ बैड न्यूज़। एक्चुअली इतनी बैड नहीं है, DRLs लग गई बट जो LED इंडिकेटर्स हमने लिए थे उससे लगाने में कुछ प्रॉब्लम हुई। वही प्रॉब्लम है यार, एरिया यहाँ पे ऐसा है। सो उसकी वजह से जो मैकेनिक है वो बोल रहे कि उसे लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए एक अलग से क्लैंप बनवाना पड़ेगा। सो अभी तो टाइम का शॉर्टेज था। नेक्स्ट वीडियो में कभी नेक्स्ट पर बना के मैं उसे वीडियो में ज़रूर ऐड कर लूँगा, बट लेट सी जो लगा हुआ पहले वो तो देख लें। सो हियर्स द हेडलाइट। मैं इसके मोड्स दिखाऊँगा आपको और बम्पर में भी लाइट्स मिली है, यू कैन सी हियर। और ये जो LED DRS जो नहीं लगा पाया वो यहीं पे लगने थे, बट इस पर जब ये हटेगा तो इसकी यहाँ पे एक प्लेट लगानी पड़ेगी हमें, तो वो जब लगेगी उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मोड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये LED DRLs का। इसका एक बार मेन मारना भाई, ये इसकी नॉर्मल लाइट जैसे हम अपने नॉर्मल लाइट चलाते हैं वो है, और ये इसका हेड है। जब हम इससे अपर साइड मारते हैं तो ये वो है, और नीचे वाले इसमें भी मोड है,
इसका मोड दिखाना, इसका इसका पूरा बंद करके। हाँ, यू कैन सी वंस देयर अ स्टिल एंड फिर उसके बाद ये एक ग्लिटरी रहता है। ये इसके दो मोड्स है, बम्पर वाली लाइट के, इसके ये नॉर्मल है, ये इसका जब नॉर्मल पार्किंग लाइट जलेगी उसके साथ ये जलेगा, ये पार्किंग लाइट की जब ये लाइट जलेगी उसके साथ जलेगा। इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया एक्चुअली, उस साइड का बल्ब जल रहा है पार्किंग लाइट का, तो ये पार्किंग लाइट है। और उसके बाद इस साइड जलती है इसकी मेन, और यहाँ पे हेड है, ये है इसका फुल। हाँ, वन थिंग आई फॉरगेट, हम राइट का इंडिकेटर देते हैं, तो ये राइट का मेन लाइट में भी जलता है जब लेफ्ट का जलाते हैं, तो एक बार दिखा देना तो राइट का जला के, यू कैन सी सो ऑसम। और लेफ्ट का दिखा देना, अभी डे टाइम को पता नहीं चलेगा। इस वीडियो की लास्ट में मैं वो एक फुटेज डाल दूंगा नाइट वाली, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि लाइट्स कितनी अच्छी है, एक सिनेमेटिक व्यू हो जाए। तो आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी एंग्री बर्ड ग्रिल उतार दी गई है, बिकॉज लाइट खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए एंग्री बर्ड ग्रिल को हटाना ही पड़ता है। और अभी ऐसे ही अच्छा लग रहा है जब एंग्री बर्ड ग्रिल को, क्योंकि एंग्री बर्ड ग्रिल एक्चुअली लाइट पे यहाँ पर लग रही है, तो वही सोच रहे हैं इससे लगाए कि नहीं लगा। उससे लास्ट टाइम फिट किया था, जिसने मेरा लास्ट एंग्री बर्ड वाला वीडियो देखा एंग्री बर्ड ग्रिल वाला, वो समझ जाए कि एंग्री बर्ड ग्रिल को लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसीलिए अभी नई लाइट लगाई है, तो इसीलिए कोई रिस्क नहीं लिया है। देखेंगे आगे जाके, अगर लगानी होगी तो उसे ज़रूर लगाएंगे। एंड ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए मेरी व्हीकल्स की, और भी अपना जो मेरा लाइफस्टाइल डेली अपडेट सब स्टोरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई रिक्वेस्ट है वीडियो बनाने की तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।